उनके लिए थोड़ा ये इवेंट शॉकिंग होगा पता नहीं, बट ये शॉकिंग जरूर होगा जैसे हम बैठे हुए. सूखी सूखी है नीडे. पिंक अच्छा लगता है मुझे. रंग भर से भीगे चुनर वाली बलब पिचकारी. तो मैं खुद ही अपने पे कलर्स और पानी खुद ही डाल के खड़ी हो जाती थी. सो दैट वाज द क्यूटेस्ट थिंग व्हिच आई रिमेंबर. आई हैव अ पिक्चर आल्सो. नहीं बिल्कुल नहीं, बट ट्राई किया था तो फेक थी. तो नहीं बिल्कुल नहीं. आज कलर्स की होली है, क्या स्पेशल होने वाला है? सारे परिवार मिल रहे, क्या बताएं? बहुत कुछ स्पेशल हो रहा है. एक तो पहली स्पेशल बात यह है कि हम सब पहली बार मिल रहे हैं, पूरा परिवार जो है. तो ये हमारा डोरी पे ये हमारा पहला इवेंट हो रहा है. तो हम सबसे मिलने आए हैं यहाँ पे और नाच गाना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, रंग लगा रहे सब एक दूसरे को. और पहली बार ये भी हो रहा है कि मैं इन लोगों के साथ इतने अच्छे से बैठी हूँ. मतलब मैं मानसी और नीलू साथ साथ माइक पकड़ा है हमने साथ में. बहुत बड़ी बात है ये तो. बिल्कुल ऑन स्क्रीन हम क्या बोलते नहीं देख सकते, ऑफ स्क्रीन ही फैंस को देखने को मिल सकता है ऐसी चीजें. हाँ उनके लिए थोड़ा ये इवेंट शॉकिंग होगा पता नहीं, बट ये शॉकिंग जरूर होगा जैसे हम बैठे हुए. ओके हम जाना चाहेंगे सबसे पहले अगर रंग लगाएंगे तो इस ईयर आप किसको होली पे सबसे पहले आप दोनों रंग लगाने वाली हैं? आप कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं? नहीं हम रियल लाइफ में बात कर रहे हैं. रियल लाइफ में तो मैं मम्मी को लगाती हूँ. हाँ. मेरी नीस है तो उसको लगाती हूँ पहले. हाँ पेरेंट्स है, नीज एंड नेफ्यू. चलो देखा यहाँ भी बर्दाश्त नहीं, हमको साथ में देखना, उठा के ले गए. बोलिए कौन सा रंग आपका फेवरेट है होली में? पिंक अच्छा लगता है मुझे क्योंकि वो जल्दी निकल भी जाता है, इसलिए आई लाइक येलो पिंक. हाँ ओके. होली नाम सुनते ही सबसे पहले कौन सा सॉन्ग आपके माइंड में आता है? रंग भर से भीगे चुनर वाली बलब पिचकारी, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली, ऑल दिस सॉन्ग्स. ओके सूखी होली पसंद है या गीली होली? सूखी सूखी है नीडे. होली के कलर के साइड इफेक्ट ना हो उसके लिए क्या करते हो आप स्पेशली मेकअप एंड ऑल? लगा पहले तो आई मेक श्योर कि मैं हर्बल कलर्स लेकर आऊँ फेसेस के लिए. मैं अपने नीज नेफ्यूज के लिए भी वही कलर्स लेकर आती हूँ और क्रीम्स लगा लेती हूँ पहले. एक ब्रांड है जो मैं यूज़ करती हूँ डॉट एंड की करके, दोज आर वेरी गुड ब्रांड. मैं बालों में हेयर ऑयल लगा लेती हूँ. So these are the things which I protect from colors. Okay. बचपन की कोई sweet होली memories जो आप अभी share करना चाहें? बचपन में क्या होता था ना, when I was like Dory, मेरे साथ ना बच्चे छोटी है ना, बच्चे के साथ क्या होली खेलेंगे. तो मैं खुद ही अपने पे कलर्स और पानी खुद ही डाल के खड़ी हो जाती थी. So that was the cutest thing which I remember. I have a picture also. कभी कभी time मिला तो I'll share on Insta. But that's the way I used to play Holi. Okay. कभी किसी पे बलून में पानी फेंककर मारा है किसी के ऊपर होली में चुप्पे से? हाँ रात भर मैं और मेरे भाई मिलकर 3-4 बाल्टियाँ भर देते थे कि सुबह की फुल प्रिपेरेशन होनी चाहिए कि उठे बस नींद से और गुब्बारे मारे. तो वो करते थे हम. ओके होली में जैसे भांग खाया जाता है, क्या आपने कभी ठंडा या भांग खा के खाया है? और कभी ऐसे खा के नशे में कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कुछ हुई है? जूम की होली थी तो वहाँ पर ठंडाई मिली थी. आई वॉज सो एक्साइटेड, आई वॉज लाइक चलो करते हैं. बट वो आई थिंक वो फेक भांग था, कुछ उससे कुछ हुआ नहीं. बट जैसे ही मैंने उसके बारे में स्टोरीज पढ़ी देन आई वॉज लाइक नो आई डोंट वॉन्ट टू, क्योंकि भाई घर पहुँचना है वापस या घर पे कुछ हो गया पता नहीं. मैंने सबकी बहुत बुरी बुरी स्टोरी सुनी. सो इट्स अ वेरी स्केरी थिंग टू डू इट. एंड आई हैव सीन माय क्लोज फ्रेंड जो इसके बारे में गॉसिप करते हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. तो ना बाबा मना, ना कभी ट्राई नहीं किया ठंडाई वगैरह कभी? ना नहीं बिल्कुल नहीं. बट ट्राई किया था तो फेक थी. तो नहीं बिल्कुल नहीं. ओके लास्टली एनी विशेस टू योर फैंस, होली के होली आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? होली एक्चुअली जो भी त्यौहार होता है वो अधिकतर हम परिवार के साथ मनाते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी मनाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि परिवार के साथ मनाएं क्योंकि बहुत थोड़ा इमोशनल होगा. लेकिन हमें बहुत कम वक्त मिलता है परिवार के साथ, पूरे टाइम बिजी रहते हैं. अब हम होली के दिन भी फ्रेंड्स के साथ चले जाएंगे तो फिर क्या ही मतलब है. सो यस बनाओ फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आप ज़्यादातर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और उन्हें टाइम दें और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं. सो अपनी फैमिली को स्पेशल फील कराएं.